दिल्ली के अंदर रह रहे परिवारों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी बहन बेटियों को अब घर में रखें, दिल्ली सुरक्षित नहीं रहा है, उनके सारे सपनों को दफना दें। जरूरत पड़े, दिन ना कटता हो तो टीवी देखें, आपकी बिजली फ्री है, डूब मरने की नौबत आए तो पानी फ्री है, डूब मरिएगा। कुछ मत कहो क्योंकि तुम कुछ कहोगे तो समाज में नफरत फैल जाएगी, श्रद्धा के 35 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम कुछ मत कहना क्योंकि तुम कुछ कहोगे तो समाज में नफरत फैल जाएगी। साक्षी नन्ही सी जान को 21 बार चाकू घोप कर मार दिया जाएगा, लेकिन तुम कुछ मत कहना क्योंकि समाज में नफरत फैल जाएगी। और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो समाज नपुंसक को स्वीकार कर चुका है, इसीलिए हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अगर हम कुछ कहते हैं तो समाज में नफरत फैल जाएगी। हर एक लड़की के मरने वाले की जात ढूंढकर और जाति के नाम पर लड़ने वालों, कहां गए तुम लोग? मैं दो दिन से कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि देखूं कितना समाज जागृत होता है, देखता चाहता हूं था कि साक्षी के लिए आवाज कितने लोग। रोज मर रही है लड़कियां, फिर भी हिंदू कौन है, भला कोई क्या कहेगा वो लड़की इनकी कौन है? याद रखो हिंदुओं, अब वो अब्दुल रुकेगा नहीं, उसकी निगाह तुम्हारे भी घर पर है, तुम्हारी बेटी से वो छुपेगा नहीं।